पापा, मैंने तांत्रिक विद्या से जुड़े कुछ लोगों से बात की है, उनके बारे में पता लगा है, तो कल से मैं एक एक करके सबसे जाके मिलूंगा। इस पूरे प्रोसेस में मुझे 3 से 4 दिन तो लग जाएंगे। फिर एक मिनट, कल तो होली है, तो क्या हमेशा की तरह हम इस बार भी होली सेलिब्रेट करेंगे पापा? नहीं, नियति की हालत देखकर मुझे लग रहा है इस बार होली का प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूं। सही कह रहे हो तुम आशुतोष, नियति की तबीयत बहुत खराब है। कैसी होली, कैसा सेलिब्रेशन, नहीं मनाएंगे होली हम। नहीं पापा, नहीं पापा, नहीं पापा। नियति को होश आ गया है क्या? अभी भी वो तंत्र के असर में होगी? पापा, हम हर साल होली मनाते हैं ना, तो इस बार क्यों नहीं? माना मेरी तबीयत खराब है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम इतने बड़े त्योहार की खुशी नहीं मनाएंगे। प्लीज पापा। ये तो एकदम ठीक लग रही है। नियति, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें लगता है कि परिवार में कोई भी होली मनाना चाहेगा? हाँ, न जाने क्या चल रहा है नियति के दिमाग में। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। क्या हुआ मुझे? सबको ये लगता है ना कि मुझ पर तंत्र हुआ है? बकवास है ये सब। ये अच्छा है, क्यों नहीं मनाएंगे हम होली? कल मनाएंगे, कल। ये अच्छा है, मेरा नाम ले लिया तो कुछ भी करो। क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूं मैं, बोलो क्यों नहीं मनाएंगे हम होली? कल हम होली मनाएंगे, कल हम होली मनाएंगे, मैं बोल रही हूँ इसलिए मनाएंगे। बिल्कुल ठीक तो हूँ मैं, फिर क्यों नहीं मनाएंगे होली? हम होली मनाएंगे। नियति, जब वो कह रही है तो मना लेते हैं ना होली। लेकिन सुमति, अरे अच्छा, नियति, नियति, हम मनाएंगे होली। नियति, नियति, हम होली मनाएंगे। तुम जो चाहोगी वही होगा, होली मनाएंगे। हाँ, लेकिन तुम अच्छा, तू शांत हो जा प्लीज, शांत हो जा। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि शांत हो जाऊं? क्या हुआ मुझे? ये सब पापा, ये सब मैंने किया? पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? और मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। सब ठीक हो जाएगा नियति, तेरे पापा है ना तेरे साथ, तू बस ऐसी रहे मजबूत। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ नियति बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, इस घर पे कोई भी तकलीफ आएगी तो हम सब एक साथ झेलेंगे। कुछ ज्यादा ही चल रहा है इसका दिमाग। जानता हूं मैं किसके दम पर इतनी अकड़ दिखा रही है नियति।
तुम इतना क्यों हंस रहे हो? क्योंकि कल से तुम्हारे तड़पने के दिन शुरू हो जाएंगे। इस चीज में बंद है तुम्हारा अंत, और कल से अक्षत का शरीर तुम्हारी कैद से आजाद हो जाए, और फिर तुम उसी अंधेरी काली दुनिया में लौट जाओगे जहां से आए थे। वो तो तब होगा ना जब तुम कल देख पाओगे। भाग लो जितना भागना, लेकिन तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। ये गया कहाँ?